हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्कूल बॉय कुलवीर में। आज का वीडियो हरियाणा सीटी की जो सुपर मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है उसका 25वां प्रैक्टिस सेट है, जिसमें कि हम आपको आज करवाने वाले हैं कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन। जी हाँ, कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन करवाए जाएंगे। सिर्फ 13 या 14 प्रैक्टिस सेट हम करवाएंगे कंप्यूटर के, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। तो आप चैनल के साथ बने रहें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इन वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। आप टेलीग्राम ग्रुप पे कूल बॉय कूल भी लिख के आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर आप चैनल ज्वाइन कर लीजिए और हमारी जितनी भी पीडीएफ आएंगी वो सारी की सारी वहाँ पे आएंगी, ठीक है। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अभी सब्सक्राइब करने की इच्छा नहीं है तो वीडियो को देखने के बाद ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आने वाले हैं, ठीक है। अगर कोई इश्यू हो तो व्हाट्सएप आप हमें कर सकते हैं, ठीक है। तो आज शुरू कर रहे हैं हम कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि लगभग 80 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस सेट में, ठीक है। तो ऐसे ऐसे 14 से 15 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे जिसमें स्पेशल कंप्यूटर के क्वेश्चन होंगे। तो आप इन वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें, ठीक है। हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं, सारे प्रैक्टिस सेट भी करवा चुके हैं, मैथ के भी करवा रहे हैं और हरियाणा जीके के भी लगातार करवा रहे हैं और कंप्यूटर के भी। तो टॉपिक एक भी नहीं छोड़ेंगे, आप चैनल के साथ बने रहिए बस, ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करेंगे, शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट 25। पहला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में भेजे जाने वाले डाटा को कहते हैं, और ये जितने भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं पीछे जो आपके एग्जाम हुए हैं उनमें भी पूछे गए हैं और नए क्वेश्चन भी बनाए गए हैं, तो ठीक है। तो इससे बाहर कुछ भी आने की संभावना नहीं है, तो आप इन वीडियो को ज़रूर देखें। कंप्यूटर में भेजे जाने वाले डाटा को कहते हैं, तो इसको बोलते हैं दोस्तों इनपुट, ठीक है। कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य हैं, कौन कौन से हैं देखिए। कंप्यूटर क्या क्या करता है, इनपुट भी करता है, प्रोसेसिंग भी, आउटपुट भी और स्टोरेज भी। तो ये कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य हैं, ठीक है। उसके बाद है कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, तो कौन सा होता है, वो होता है इनपुट। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता, तो नहीं करता वो पूछा। देखिए, कंप्यूटर के अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती दोस्तों, ठीक है। क्या नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग, समझ नहीं सकता, सिर्फ जो हम कमांड देते हैं वही वो यूज करता है, ठीक है। किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, तो उस सूचना को क्या कहेंगे, तो उसको बोलेंगे दोस्तों इनपुट, ठीक है। सूचना तैयार करने के लिए डाटा का प्रयोग कहलाता है, ये होता है प्रोसेसिंग, ठीक है। ऑप्शन 3 हो जाएगा प्रोसेसिंग। आउटपुट क्या है, देखिए आउटपुट क्या होता है दोस्तों, जो प्रोसेसर जो है वो यूजर को प्रदान करता है, जैसे हम कुछ भी कमांड देते हैं वो हमें शो कर देता है, वो होती है आउटपुट, ठीक है। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता है, तो देखिए तेज गति है, ये तो है ही, त्रुटि रहित कार्य, जी हाँ, जो कमांड देंगे वही काम होगा, गलत नहीं होगा, और एक गोपनीयता, ये भी सही है, तो तीनों ही जो है सही हो जाएंगे आपके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है, तो डाटा जो होता है वो आपका चिन्ह और संख्यात्मक सूचना होती है, उसी को डाटा बोलते हैं, ठीक है। खालिस्तान कच्चे तथ्य रो फैक्ट्स बताता है, जबकि खालिस्तान से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो देखिए, डाटा जो है वो कच्चे तथ्य बताएगा और सूचना से क्या होता है, जो डाटा है वो अर्थपूर्ण बन जाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, ठीक है। कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किया जाने वाला डाटा या सूचना कहलाती है, क्या कहलाती है, देखिए कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किया जाने वाला डाटा हार्डवेयर भी नहीं होगा, पेरिफेरल भी नहीं होगा, सीपीयू भी नहीं होगा, तो इन्फॉर्मेशन होती है दोस्तों, वो इसमें ऑप्शन है, नहीं तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। कंप्यूटर में सूचना को इनपुट करते हैं तो निम्न में से क्या बनता है, तो क्या बन जाएगा, डाटा बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण निम्न में से है, जितने भी क्वेश्चन है देखिए आप, जैसे IBPS PO 2015 में आया है, ये भी 2015 में आया है, तो वहाँ से इकट्ठा किया गया है, आपके लिए अच्छे से अच्छा मटेरियल लेके आते हैं, तो चैनल के साथ बने रहें, काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है आपका, तो वीडियो भी शेयर करते रहें दोस्तों, ठीक है। तो नॉन न्यूमेरिक डाटा जो होता है उसका उदाहरण क्या है, तो उसका उदाहरण हो जाएगा कर्मचारी का नाम, ठीक है। बाकी टेस्ट स्कोर, बैंक अकाउंट नंबर, ये न्यूमेरिक में होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित चक्रों में से इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज के रूप में इसके घटक शामिल हैं, किसके घटक हैं, ये हैं देखिए डाटा के, ये कलरकमैन 2017 में आया था।
कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में जो प्रोसेस डाटा होता है उसको बोलते हैं सूचना। खालिस्तान वह डाटा है जिसे एक अर्थपूर्ण फैशन में व्यवस्थित और प्रस्तुत किया गया है। तो कौन सा हो जाएगा? ये होता है आपका इन्फॉर्मेशन, जो हमने बताया था, ठीक है। उसके बाद है डाटा को प्रोसेस करने के लिए आवश्यक चरणों और कार्यों, जैसा कि प्रश्नों के जवाब या किसी आइकन पर क्लिक करना कहा जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे? ये होती हैं इंस्ट्रक्शन, ठीक है। प्रथम गणना करने वाला यंत्र है, सबसे पहले जो गणना करने वाला यंत्र था वो अबेकस था, चीन ने इसे बनाया था, ठीक है। ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ? तो ये हुआ दोस्तों चीन के अंदर, ठीक है। पहली जो मैकेनिकल एडिंग मशीन थी, जोड़ करने वाली मशीन, जिसमें क्या था, सिर्फ जोड़ था, तो वो किसने बनाई थी? ये बनाई थी पास्कलाइन ने, ठीक है, ऑप्शन एक हो जाएगा। उस फ्रांसीसी का क्या नाम था जिसने वस्त्र बनाने वाली मशीन के डिजाइन से पंचकार्ड मशीन बनाई? तो उसका नाम था दोस्तों जोसेफ जैकार्ड, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। चार्ल्स बेबे द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन है कौन सा है? ये है मैकेनिकल। उसके बाद है किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य के कंप्यूटर के लिए प्रतिकृति सिद्ध हुआ? किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने, ठीक है, CGL 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद है ENIAC, ENIAC, इसकी फुल फॉर्म क्या है, काफ़ी बार पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ठीक है, ये हो जाएगी। उसके बाद है EDSEC, इसका आविष्कार किसने किया था? EDSEC का, तो EDSEC का आविष्कार किया था जॉन वॉन न्यूमैन ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। सर्वप्रथम जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ENIAC किसने डिज़ाइन किया था? तो ये किसने डिज़ाइन किया था दोस्तों? ये किया था आपका जे प्रिंसिपल एकर्ट और जॉन मोचली ने, ठीक है, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। उसके बाद है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग करके प्रोग्रामिंग की जाती थी? जो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था उसमें सिर्फ मशीन लैंग्वेज यूज होती थी दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एक एग्जाम में पूछ लेते हैं कि जो पहला कंप्यूटर था उसमें कौन सी लैंग्वेज यूज हुई, तो मशीन लैंग्वेज, ठीक है। और डिवाइस की बात की जाए तो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी डिवाइस प्रयोग होती थी? तो डिवाइस होती थी दोस्तों इसमें वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, ये भी पूछ लेते हैं। जो तीसरी पीढ़ी है उसके कंप्यूटर किसके द्वारा बनाई गई? तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर बनाए गए वो बनाए गए थे IC के, इंटीग्रेटेड चिप्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली भाषा कौन सी थी? भाषा थी कोबोल, ठीक है। स्विचों के हजारों किससे चिप्स बनती है? हजारों ट्रांजिस्टर से, ठीक है, चिप बनती है। IC बना है किससे बना है? IC ट्रांजिस्टर से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। किल्बी ने इसकी खोज की थी, आ भी जाएगा आगे। कंप्यूटर की IC चिप्स के उत्पादन के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? तो किसकी आवश्यकता होती है? ये होती है सिलिकन की, ठीक है, IC के अंदर, इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? ये फिर आ गया क्वेश्चन जो हमने बताया था अभी, तो किसने की थी? JS किल्बी ने, ठीक है, इसकी जो खोज की थी वो JS किल्बी ने की थी। इलेक्ट्रॉनिक्स में IC का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की जा रही है यहाँ पे, तो इसके अंदर होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, जो हमने बता दी तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो इसी से चलते थे। इंटीग्रेटेड सर्किट या IC का उपयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में शुरू किया गया? अभी बताया है, कौन सी पीढ़ी में किया गया? तीसरी पीढ़ी में। चौथी पीढ़ी में आने वाले पर्सनल कंप्यूटर में होते हैं क्या होते हैं? उसके अंदर होता है दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, माइक्रो माने बड़ा, बड़ा प्रोसेसर जो था वो चौथी पीढ़ी में लगा दिया गया था। माइक्रो प्रोसेसर की, माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत किस पीढ़ी से हुई? तो किस पीढ़ी से हुई दोस्तों? चौथी पीढ़ी से। पांचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर की क्या विशेषता थी? तो जो पांचवीं पीढ़ी का था वो कृत्रिम बुद्धि का कंप्यूटर था दोस्तों, ठीक है। आधुनिक कंप्यूटर के जनक हैं कौन है? ये है एलन ट्यूरिंग, इंपॉर्टेंट है, आधुनिक कंप्यूटर की पूछी इन्होंने, ठीक है, ट्यूरिंग हो जाएगा। कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था? तो बुनियादी की बात की जाए तो ये किया था जॉन वॉन न्यूमैन ने, ठीक है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? भारत के अंदर जो पहला कंप्यूटर निर्मित हुआ वो था सिद्धार्थ, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित है? तो पर्सनल कंप्यूटर हो जाएगा आपका माइक्रो से। एक पर्सनल कंप्यूटर को
किसकी सभी कंप्यूटिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है, ये किया गया किसी भी व्यक्ति की, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक छोटा माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर जो एक समय में एक व्यक्ति द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, तो ऐसा कौन सा हो जाएगा, देखिए ऐसा हो जाएगा आपका पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, जो पीसी जिसको हम बोलते हैं, हम यूज़ करते हैं पर्सनल कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को हस्तान भी कहते हैं, क्या कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर को, कंप्यूटर ऑन ए चिप, ठीक है, क्योंकि चिप के ऊपर ये चलता है। ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोगताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं, तो कौन से होते हैं, वो होते हैं लैपटॉप, जिसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से बैग के अंदर ले जा सकते हैं, ठीक है, तो ये हो गया पोर्टेबल। निम्न में से किसे पोर्टेबल कंप्यूटर माना जाता है, तो पोर्टेबल कंप्यूटर इन ऑप्शन में से, तो इनको मानते हैं पीडीए को, ठीक है। कौन सा डिवाइस उपकरण हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है, ये करता है पीडीए, ठीक है। उसके बाद आईबीएम PS2 कब विकसित हुआ, तो आईबीएम की जो स्थापना हुई दोस्तों, ये हुई थी 1987 के अंदर, ये कंपनी है अमेरिका की, ये कंपनी है, ठीक है। निम्न में से किस प्रकार का कंप्यूटर डिजिटल घड़ी में पाया जाता है, तो डिजिटल घड़ी में पाया जाता है एम्बेडेड कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद क्लाइंट सर्वर सिस्टम में किस प्रकार के कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं, तो ये होते हैं दोस्तों मिनी कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद है सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था, तो ये था PDP-8, इम्पोर्टेंट है दोस्तों PDP-8। उसके बाद निम्न में से कौन सा कंप्यूटर बड़ा तथा महंगा होता है, वह हज़ारों यूजर्स के डाटा को एक साथ प्रोसेस किया जा सकता है, तो कौन सा होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है, ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा मेन फ्रेम। विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था, इसका नाम था दोस्तों निर्माण वर्ष कौन सा था, 1976। सुपर कंप्यूटर कौन से होते हैं, सुपर कंप्यूटर होते हैं दोस्तों, देखिए जिसमें हज़ारों माइक्रो प्रोसेसर हों, ठीक है, वो होते हैं सुपर कंप्यूटर। निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और महंगा कंप्यूटर है, तो कौन सा है, सुपर कंप्यूटर। मैन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए प्रयोक्ता प्राय किसका इस्तेमाल करते हैं, ये करते हैं नोड का, ठीक है। मौसम पूर्वानुमान में निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर उपयोग किया जाता है, मौसम पूर्वानुमान के लिए उपयोग करते हैं सुपर कंप्यूटर का दोस्तों। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है, परम का विकास किया दोस्तों सीडेक ने, ठीक है, ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा सीडेक। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो देखिए माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर जो इसका भाग नहीं है, बाकी सारे हैं, ठीक है। उसके बाद वे कंप्यूटर जो भौतिक मात्राओं को मापकर उनके परिणाम अंकों में व्यक्त करते हैं, उसे कहते हैं, कौन से कंप्यूटर होते हैं, वो होते हैं एनालॉग, ठीक है, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा एनालॉग। आजकल इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर किस श्रेणी के हैं, आजकल जो यूज कर रहे हैं वो डिजिटल कंप्यूटर हैं दोस्तों। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत है क्या है, गणना एवं तर्क, ऑप्शन ए हो जाएगा। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की विशेषताओं के संयुक्त रूप को कहते हैं, क्या बोलते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, उद्देश्य की बात की जाए तो ये होते हैं दो प्रकार के, ठीक है। सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है किसमें करते हैं, देखिए दस्तावेज तैयार करने में और डाटाबेस बनाने में, दोनों में करते हैं, ठीक है। उसके बाद है विशेषीकृत काम करने के लिए डिज़ाइन किए गए कंप्यूटर कौन से हैं, स्पेशल पर्पज कंप्यूटर, ठीक है, जिनका कोई स्पेशल पर्पज होता है तो विशेषीकृत इन्हीं को बोलेंगे, ठीक है। निम्न में से कौन सा सबसे तेज तथा सबसे छोटा कंप्यूटर जो मस्तिष्क की तरह कार्य करता है, तो ये हो जाएगा आपका क्वांटम कंप्यूटर, ठीक है, ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। प्रत्युष सुपर कंप्यूटर का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है, प्रत्युष का प्रयोग करते हैं मौसम तथा जलवायु के लिए। उसके बाद है विश्व में प्रत्युष सुपर कंप्यूटर कौन से स्थान पर है, तो ये है दोस्तों चौथे स्थान पर। पुणे में स्थापित प्रत्युष सुपर कंप्यूटर की क्षमता कितनी है, तो इसकी क्षमता है दोस्तों 4 PF। उसके बाद है अत्यधिक सूक्ष्म स्तर पर डिवाइसों का निर्माण करने हेतु नैनो स्ट्रक्चर्स के प्रयोग पर विचार करता है, कौन करता है, ये कहता है नैनो टेक्नोलॉजी, ऑप्शन एक हो जाएगा, ठीक है। ऐसा विज्ञान है जो मानव बुद्धि के समान बुद्धि का प्रदर्शन करने वाली मशीन बनाने का प्रयोग करता है,
कौन सा है? यह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI इसको बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग होता है? तो कौन से क्षेत्र में करते हैं इसका, देखिए, हैवी इंडस्ट्रीज और स्पेस के लिए, फाइनेंस के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए, तो सभी के लिए होता है दोस्तों इनका, ठीक है। उसके बाद है, कंप्यूटर की वह विशेषता जिसमें सोचने, समझने तथा तर्क करने की क्षमता होती है कहलाती है, क्या कहलाती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IA इसको बोलेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन रोबोट के डिजाइन, निर्माण, संचालन और उपयोग के साथ कार्य करता है? तो कौन करेगा? रोबोटिक्स, ठीक है दोस्तों। ये था आज का वीडियो दोस्तों, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसकी PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे कूल बॉय कुलबीर, और पहला ही जो चैनल आएगा वो हमारा ही है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, किसी को कोई इश्यू है तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसे ही जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियो लाने वाले हैं, तो चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।